लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड मामले में जांच टीम चार्जशीट आज दाखिल कर सकती है। आपको बता दें कि चार्जशीट तैयार पूरी तरह से हो चुकी है और लीगल टीम की मंजूरी के लिए होमवर्क भी पूरा हो चुका है। घटना के 3 महीने के बाद भी आज पूरे हो चुके हैं। ऐसे में 7 अक्टूबर को पहली गिरफ्तारी के बाद 90 दिन पूरे होने से पहले ही हर हाल में 6 जनवरी तक न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करना है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को तिकुनिया कस्बे में हुई हिंसा में 4 किसानों और 1 पत्रकार सहित 8 लोगों की जान चली गई थी। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखीमपुर से हमारे संवाददाता किशन निषाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन, लखीमपुर के ये पूरा तिकुनिया कांड जो हुआ था, इसमें कहा जा रहा है कि चार्जशीट दाखिल अब हो जाएगी, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि सूत्रों के हवाले से हम लोगों को खबर मिल रही है कि आज कोर्ट में जो है एक बक्से के अंदर लेकर एसआईटी टीम चार्जशीट लेकर पहुंची है, जो कि एक बक्से में बताई जा रही है। लगभग अब पन्ने चुकी भरने में सूचने में आ रही है लगभग 5000 पन्नों की चार्जशीट है। और कहीं ना कहीं जो आशीष मिश्रा है उनको थार जो गाड़ी थी, जो गाड़ी जलाई गई थी थार, उसमें कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा की मौजूदगी बता रही है एसआईटी, हमारी सूत्रों के हवाले से खबर है। और एक वीरेंद्र शुक्ला है जो की इस कार को चला रहे थे, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी आरोप सिद्ध हो रहा है, क्योंकि उन्होंने साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर है हम लोगों के पास में कि कोर्ट में चार्जशीट एसआईटी ने दाखिल कर दी है और कहीं ना कहीं आशीष है और जो भी उनके साथ में 13 लोग बंद हैं, कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल किशन, और कहा यह भी जा रहा है, जानकारी ऐसी मिल रही है कि चार्जशीट में आशीष के एक और रिश्तेदार का नाम शामिल हो सकता है। देखिए, साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एसआईटी ने जो इसकी जांच है वो कहीं ना कहीं उसमें, क्योंकि जिस तरीके से धाराएं बदली गई, धाराएं बदलने के बाद में कहीं ना कहीं कहा गया था कि प्री प्लान हत्या है, तो उसके बाद में कहीं आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ी थी और जो 13 आशीष मिश्रा को मिलाकर जो 13 लोग बंदे उनकी मुश्किलें बढ़ी थी। लेकिन आज जिस तरीके से एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है उसमें साफ तौर पर ये सूत्रों के हवाले से हम लोगों के पास खबर है कि कहीं ना कहीं 2 से 3 लोग जो जुगाड़ियों में थे उनकी मौजूदगी बताई गई, आशीष मिश्रा की मौजूदगी की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं शुक्ला जो स्कॉर्पियो चला रहे थे उनकी मौजूदगी, उन्होंने साक्ष्य मिटाने का मामला है। लेकिन अगर बात की जाए तो अभी हम लोगों के पास सूत्रों के हवाले से खबर है, एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी और जो भी आरोपी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ना अब तय हो रही है। जी बिल्कुल किशन, और ये चार्जशीट कब तक दाखिल हो जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अभी जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि कोर्ट में एसआईटी टीम पहुंच गई है, हमारे सूत्रों का कहना है, लेकिन अभी जिस तरीके से हम लोगों को पूरा हम लोग उस पर नजर बनाए हुए, लेकिन अभी ये सूत्र हमारे लोग बता रहे हैं कि एसआईटी टीम जो है कोर्ट में पहुंची है और वो कहीं ना कहीं एक बक्से में लेकर चार्जशीट की कॉपियां हैं वो लेकर पहुंची है, उनको दाखिल करेगी। तो अभी हम लोगों के पास सूत्रों की खबर है, लेकिन हम लोग कोर्ट परिसर के बाहर है, लेकिन अभी तक जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर है और मीडिया को सब थोड़ा सा दूर रखा जा रहा है, क्योंकि वहां पर बैरिकेटिंग की गई है कि वहां तक जो साक्ष है वो कहीं ना कहीं पहुंच जाए, उसके बाद मीडिया को जो प्रशासनिक अधिकारी जानकारी देगा उसके बाद ही हम लोग कुछ कह पाएंगे कि आखिर कितने पन्नों की चार्जशीट थी और किन किन लोगों के खिलाफ आरोप सिद्ध हुआ है। जी जी चलिए ठीक है किशन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। तो ऐसे में तिकुनिया कांड में आपको बता दें कि अब चार्जशीट दाखिल हो सकती है। तिकुनिया कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र, सोनू समेत 13 आरोपी जिला कारागार में बंद हैं। ऐसे में आपको बता दें कि आशीष मिश्र की गिरफ्तारी भले ही 10 अक्टूबर को हुई थी, मगर उससे पहले 7 अक्टूबर को आशीष मिश्र के करीबी लव कुश और आशीष पांडे को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसे में दोनों को 8 अक्टूबर को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। कानून के जानकारों के मुताबिक हत्या जैसे जघन्य मामले में विवेचक को न्यायिक अभिरक्षा के पहले दिन से 90 दिनों के भीतर जाँच मुकम्मल कर चार्जशीट दाखिल करने की बाध्यता होती है और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो अभियुक्त को इसी आधार पर जमानत पर छोड़ना पड़ेगा।